नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कौशल और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक। बचपन में हमारे माँ बाप हमें जो है कहानी बताते थे, हमें कहानी सुनाई जाती थी कि बेटा IIT NIT में एडमिशन ले लो तो आपकी नौकरी पक्की है और जिंदगी भर आप आराम से खाएंगे। ये जो वाक्य है इसको दोबारा सोचिए, क्योंकि आज जब हम यहाँ नई दिल्ली में शास्त्री भवन के सामने खड़े हैं, IIT NIT और तमाम जगहों से पढ़े हुए इंजीनियरिंग के शिक्षक अपने लिए पक्की नौकरी मांग रहे हैं। टेकिप के बारे में अगर हम आपको बताएं तो ये बुनियादी तौर पर राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बीच में एक प्रोजेक्ट था 3 साल का, जिसके तहत तकरीबन 1400 से ज़्यादा शिक्षकों को नौकरियां दी गई। बाद में कहा गया कि आप लोग परमानेंट कर दिए जाएंगे, या तो आप स्टेट गवर्नमेंट में होंगे या फिर आप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेजेस में परमानेंट हो जाएंगे। लेकिन 3 साल बाद स्थिति ये है कि यहाँ पे शिक्षक अपने लिए पक्की नौकरी मांग रहे हैं। हमने इन शिक्षकों से बात की है ताकि ये पूरा मुद्दा समझ सके और क्या है उनकी समस्याएं, क्या है उनकी मांगे, इन पे जो है उनसे बात की है, उन्हें सुनी। जी, मेरा नाम डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और मैं IIT दिल्ली से PhD हूँ और अभी मैं कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सुल्तानपुर में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। सर, मेरा नाम क्रांति इंगले है, मैं उज्जैन के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाती हूँ एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर अंडर TQ3। तो आपने जो अभी जो बात कही है, बीइंग अ फीमेल फैकल्टी, इट इज़ लाइक वेरी डिफिकल्ट टू लाइक सर्वाइव इन सच अ सोसाइटी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई बिलोंग टू द बैकवर्ड क्लास, सो मेरे अगर आप देखोगे परिवार में तो मैं पहली IITian हूँ, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि मैं पहले इंजीनियर स्टूडेंट हूँ अपने परिवार से। मेरा नाम मोहित टीचर है, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत मैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पुलवामा UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ पिछले लगभग 3.9 ईयर्स। मेरा नाम अनुराग है और मैं UP के BIT झांसी संस्थान में, जो उत्तर प्रदेश सरकार का एक सरकारी संस्थान है, उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत हूँ। हमारा नाम डॉक्टर अमोल बुटे है, हम गया अभियंत्रण महाविद्यालय गया में इंग्लिश के प्रोफेसर हैं और वहाँ पे 2018 जनवरी से हम हमारी सेवा TechUp के द्वारा दे रहे। मेरा नाम आनंद चतुर्वेदी है और मैं टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम TechUp 3 के अंतर्गत कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। ये बहुत ही बड़ा संकट है कि क्योंकि हम लोग सभी लोग यंग फैकल्टीज़ हैं और पिछले 3-4 सालों में सब लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने शादी भी की और बहुत सारे लोगों की अब फैमिली भी बढ़ चुकी है, 2 से 3-4 भी लोग कुछ लोग हो गए हैं। तो अगर इस सिचुएशन में जब कोरोना काल है, जब सरकार कह रही है कि किसी की जॉब नहीं जानी चाहिए और बेरोजगारी एक मुद्दा है, जॉब नहीं मिल रही, नहीं है यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स नहीं है, उस सिचुएशन में अगर हमारी जॉब चली जाती है तो हमारे सर्वाइवल पे आ चुका है कि हम कहाँ जाएं। टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम वर्ष 2017 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये प्रोजेक्ट लाया गया था, जिसमें 1554 असिस्टेंट प्रोफेसर का चयन एक खुली कठोर चयन प्रक्रिया के थ्रू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को नोडल सेंटर बना के इसका चयन किया गया था। इसमें जितने भी लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे सबका शिक्षा IITs और NITs से हुआ है, सब IITs और NITs के अलमनस हैं। और ये प्रोजेक्ट ऐसा डिज़ाइन था कि 3 सालों तक इसमें शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ये सारे असिस्टेंट प्रोफेसर्स को सैलरी दी जाएगी, तत्पश्चात एक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन था, जिसके तहत एक सस्टेनेबिलिटी प्लान बननी थी कि पोस्ट प्रोजेक्ट पीरियड इन सारे असिस्टेंट प्रोफेसर का समायोजन विभिन्न जो 20 लो इनकम स्टेट्स हैं जिसमें हम लोग सर्व कर रहे हैं, उसमें हम लोगों का समायोजन स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से होगा। ये प्रोजेक्ट सितंबर 2020 में समाप्त होने वाला था और उसके बाद समायोजन होना था, बट कुछ कारणों से इसमें 2 बार जो है 6-6 महीने की वृद्धि हुई और अभी ये 30 सितंबर 2021 को ये समाप्त होने को है। कोई जॉब ये बता देना कि किस यूनिवर्सिटी, किस कॉलेज में जॉब है, कहाँ पे, सारी सीटें खाली है, NITs IIT हर जगह पे खाली हैं, सीटें भरी नहीं जा रही हैं पिछले 3-4 साल। और कोरोना काल में जो वैकेंसी निकली भी थी उन पे भी जो है हमने एप्लीकेशन किया, आज तक वो सिलेक्शन नहीं हुआ, सब रुक गई हैं। मेरा कहना यही है कि बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक टीचर को सिर्फ काम नहीं होता है पढ़ाना बच्चों को,
जो हम पढ़ा रहे हैं, एक घंटे का लेक्चर जो हम ले रहे हैं उसके लिए हम एटलीस्ट 2 घंटे का इनपुट देते हैं, तैयारी करते हैं, लेक्चर प्रिपेयर करते हैं, मटेरियल तैयार करते हैं, स्टूडेंट्स को वो सारा मटेरियल ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं आजकल। तो ऑनलाइन टीचिंग में एक टीचर का रोल ज़्यादा बढ़ जाता है और वहाँ पर हम लोगों को इतने इनपुट देने पड़ते हैं जहाँ पर हमारी एक हफ्ते में पूरी तैयारी करनी पड़ती है हमें हर एक लेक्चर के लिए। तो अगर मैं अपना IIT का एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद भी, मैंने अपना MTech IIT खड़गपुर से किया है कंप्यूटर साइंस में से, तो अगर मैंने इतने अच्छी जगह से पढ़ाई करने के बाद भी अगर मुझे यहाँ पे सड़क पे बैठना पड़ रहा है और गवर्नमेंट को बोलना पड़ रहा है कि आप हमारी जॉब बचाइए, जबकि हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वही मतलब जो गवर्नमेंट ने जो नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया था उसी में ये सब मेंशन है कि हम लोगों ने अच्छा काम किया है। देखिए, हमारे कॉलेज में लगभग 25 फैकल्टी है और 70-75% तक हम एकेडमिक जो लोड है वो बियर करते हैं। अगर अच्छा यही नहीं तो हमारे कॉलेज में 5 जो है वो HOD के पोस्ट पे है अलग अलग डिपार्टमेंट। अगर ये फैकल्टी या हम यहाँ से चले जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारे डिपार्टमेंट को देखने वाला उस तरह का कोई नहीं है जिसके पास 4 साल का एक्सपीरियंस और उसने जो एकेडमिक डेवलपमेंट किया तो शायद वो कंटिन्यू भी नहीं रख पाएगा। जैसा हम हमारे डिपार्टमेंट में बात करें तो हम अकेले ही फैकल्टी हैं, ऐसे इसमें हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया हुआ है तो उसकी आइडिया तो नए फैकल्टी को नहीं है। अगर हम वहाँ से चले जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि बच्चों का बड़ा नुकसान गया के ही नहीं पूरे बिहार के बच्चों का नुकसान वहाँ पे होगा। अगर हम यहाँ पर बैठकर अपना टाइम यहाँ दे रहे हैं, और मैं अपना स्पेशली अगर केस बताऊँ तो मुझे 2 and fro 5 घंटे लगते हैं ट्रैवल करने के लिए यहाँ पर, तो मैं ट्रैवल भी कर रही हूँ, यहाँ पर बैठी भी हूँ और साथ साथ मुझे क्लासेस का भी देखना है, तो ऑब्वियसली मैं उतना इनपुट नहीं दे पाऊँगी जो मैं एक्चुअली सिर्फ क्लासेस लेते टाइम देती थी। तो डेफिनेटली वो इम्पैक्ट हुआ है, और एक बोलूँ कि अंदर से एक फीलिंग ये आती है कि स्टूडेंट्स को जो एक्चुअली चीज़ मिलनी चाहिए वो अभी मिल नहीं रही है क्योंकि हम यहाँ पर बैठे हैं। तो अभी 2 महीना पहले मैंने भी अपनी ऑनलाइन ट्रेनिंग रिसीव की है IIT हैदराबाद से, और हमें ये कहा गया था कि ये सेम ट्रेनिंग आपको भी अपने इंस्टीट्यूट्स में ऑर्गेनाइज करनी है। तो अभी 15-20 डेज बैक मैंने भी अपनी सेम 10 डेज ट्रेनिंग एट माई रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स ऑर्गेनाइज की है, एंड मेरे पास उसके क्राफ्ट्स भी हैं, 3D printed क्राफ्ट्स। ओके, एंड इसमें लास्ट में मैं ये बोलना चाहता हूँ सरकार से कि जब भी हम धर्मेंद्र प्रधान जी से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि मैं स्टेट के मुख्यमंत्रियों से बात करूँगा, तो मेरा उनसे ये कहना है कि हम लोग जम्मू कश्मीर में काम करते हैं और वो अभी यूनियन टेरेटरी है, तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल अप्लाई होते हैं, तो क्यों ना एक स्टेट गवर्नमेंट के सामने हम एक एग्जाम्पल सेट कर दें, मतलब भारत सरकार जो है वो एग्जाम्पल सेट कर दिए कि लीजिए हमने करके दिखा दिया, अब आपकी बारी है। हमारे जो फैमिली है वो भी हम लोगों ने, क्योंकि मैं दिल्ली में जॉब करता था सर, और उसके बाद में मैं जब शिफ्ट हो गया रूरल एरिया में तो मेरी जो वाइफ है वो भी अपनी जॉब यहाँ से छोड़ चुकी हैं। अब हम लोग कहाँ जाएँ, ना वहाँ ये जॉब रह गई उनकी और मेरी जॉब जा रही है। हम वो टीचर्स हैं जो 3-3.5 साल से बच्चों के करियर को बनाने के लिए उनके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, प्रयासरत हैं हमेशा, उनके कभी भी डाउट्स आते हैं हम क्लियर करते हैं, उनको हर तरीके का मोटिवेशन हम प्रोवाइड करते हैं, गेट की क्लासेस हों चाहे कैट की क्लासेस हों चाहे इंडस्ट्री में जाना हो। लेकिन आप इस द्वंद को देखिए कि उनका करियर बनाने के लिए हम लोग इतना लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन आज अपने करियर के लिए भी हम यहाँ पर खड़े होकर सरकार से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें परमानेंट किया जाए, हमारी सस्टेनेबिलिटी प्लान के बारे में कुछ सोचा जाए, तो ये बहुत बड़ा द्वंद है। मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करूँ, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज की, तो हमारे पास बस केवल एक फैकल्टी है जो कि परमानेंट फैकल्टी है, है ना, और एक फैकल्टी जो PhD के लिए चले गए, तो एक फैकल्टी इतने सारे स्टूडेंट्स को हैंडल करना आप समझ सकते हो। सो डेफिनेटली अगर हमारे जो फैकल्टीज है यहाँ पे अगर आए हैं तो जो स्टूडेंट्स के क्लासेस हम लोग सही तरीके से नहीं ले पा रहे, या फिर जो हम लोग रूम पे जाके मतलब होटल्स में जाके जब क्लास लेते हैं या फिर इवनिंग में जो हम लोग एक्स्ट्रा क्लासेस ले पा रहे हैं, सो डेफिनेटली हम अपना उतना इनपुट नहीं दे पा रहे इस चीज़ को, तो इसमें अल्टीमेटली स्टूडेंट का लॉस तो है ही, हम लोगों का भी यहाँ पे लॉस है ही, क्योंकि हमारा भी मोटिवेशन दिन ब दिन कम होता जा रहा है। देखिए सर, ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे माध्यम से छात्रों का एक कितना बड़ा डोमेन जो है वो हमसे जुड़ा हुआ है,
12 राज्यों में एक साथ केंद्र सरकार ने जो ये नियुक्तियाँ करी हैं, जो जम्मू कश्मीर से लेकर अंडमान निकोबार तक हैं, तो 12 राज्यों की जो जिसमें जो सबसे बड़े राज्य भी हैं पॉपुलेशन के हिसाब से, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया और राजस्थान के भी सरकार राजस्थान के भी कॉलेज हो गए, मध्य प्रदेश के कॉलेज हो गए, तो ये सारे ही कॉलेज हैं जहाँ पे बहुतायत संख्या में इंजीनियरिंग के छात्र जो हैं वो इंजीनियरिंग का अध्ययन करते हैं। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इस प्रोग्राम की आवश्यकता थी, इसीलिए इस प्रोग्राम को लाया गया था। सिर्फ इसी बात से आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे जाने के बाद तकरीबन जहाँ पे अभी हमारे आने से 70-80% सीटें फिल हो गई थी, वहाँ पे मुश्किल से 10-15% शिक्षक रह जाएंगे। तो ऐसे में जब शिक्षक ही नहीं होंगे तो विद्यार्थियों को किस किस्म की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकती है, इस पर एक बड़ा प्रश्नमार्क लग जाएगा जिसको सभी लोग खुद ही समझ सकते हैं। एक मनोबल जो बच्चों का गिरेगा कि अगर हमें, जिनको हम सपने देखते हैं कि IIT NIT में हमारा एडमिशन होता तो हमारा करियर बहुत अच्छा होता, अगर वो अब हमें देखेंगे कि ये सर तो IIT से ही थे, IIT दिल्ली से अब बड़ा कौन सा इंस्टीट्यूट है इस देश में, अगर उससे डिग्री लेने के बाद में ये बेरोजगार हैं, धरने दे रहे हैं एक महीने से, तो हमारा क्या फ्यूचर, इनसे पढ़ के हमारा क्या बनेगा, हम तो NIT में हैं। तो ये दुख की बात है कि अब उनका भी मनोबल गिरेगा और हम किस मुँह से उनसे कहें कि बेटा पढ़ो और अच्छा पढ़ोगे IIT में चले जाओगे, फिर वही सवाल होगा कि IIT में आप जाके क्या कर लिए, आप भी तो बेरोजगार ही हैं। जो भी लैब डेवलपमेंट का काम है, रिसर्च का काम है, एवरी ईयर हमारा परफॉर्मेंस का भी वेरिफिकेशन हुआ है, मतलब परफॉर्मेंस चेक किया गया है, और उसके बतौर हम लोगों को एवरी ईयर 3% इंक्रीमेंट भी, जो उनका जो क्राइटेरिया था वो भी हमें दिया गया है। तो हम लोग बस ये चाहते हैं कि सर अगर हमारी तरह जो लड़कियाँ हैं या फिर जो फीमेल फैकल्टी है जिनको इतने संघर्ष एजुकेशन लेने के बाद भी अगर सड़कों में अगर हम लोगों को बैठना पड़ रहा है, और अगर 30 सितंबर के बाद अगर हम लोग बाहर जाएंगे इस सिस्टम से, तो ये बस हम लोग यहाँ से नहीं जा रहे हैं। डेफिनेटली हमें जो लोग इंस्पिरेशन मानते हैं, जो हमारे घर के हैं, जो हमारे आस पड़ोस के जो लोग हैं या फिर जो हमारे गाँव से जो लोग बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए भी एक स्टोरी हो जाएगी कि यार क्या करेंगे, पढ़ लिख के ये लोग सड़क पे बैठे और आज ये लोग घर पे बैठे हैं या फिर कम जॉब मतलब सैलरी की नौकरी कर रहे हैं। 3 साल पूरा हो गए हैं भारत सरकार द्वारा सभी राज्य सरकारों को 3 से 4 लेटर्स पीरियोडिकली लिखे गए हैं उनके माननीय गवर्नर्स को और टेक्निकल एजुकेशन की सेक्रेटरीज को कि इनके संबंध में एक सस्टेनेबिलिटी प्लान बनाया जाए और इनका समायोजन किया जाए, बट अभी तक कोई सस्टेनेबिलिटी प्लान निर्गत नहीं हुआ है। और ये सारे असिस्टेंट प्रोफेसर्स 30 सितंबर 2021 के बाद इनका फ्यूचर अंधकार में है और इनके लिए कुछ भी अभी पॉलिसीज नहीं बनी हुई है। यही मैं सरकार से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ हमारे इस मुद्दे को समझिए और जो भी हम मतलब आप जो हमारे लिए कर सकते हो, जो प्रॉपर सब्सिस्टेंट प्लान है हम लोगों का, जो कि आपने बोला था, है ना, ये हम लोग नहीं बोल रहे, जो आपने हमसे वादा किया था आप इसे पूरा कीजिए, बस यही हमारी रिक्वेस्ट है। बुरा इसलिए नहीं लगेगा कि हमारा जॉब जा रहा है और हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, बुरा इस बात का लगेगा कि हम पे जो गवर्नमेंट ने खर्चा किया, जब हम यहाँ पे आए तो सबसे पहले 5 दिन का IIT कानपुर में हमें ट्रेनिंग दिया गया, जो हमारा भी सपना था कि वहाँ पे जाके हम एक्चुअल में क्या होता है वो देखें। उसके बाद पेडागॉजी पे भी 5 दिन का वर्कशॉप हुआ, उसके बाद हमें अलग अलग जगह पे वर्कशॉप के लिए या ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। 4 सालों में हम वहाँ के लोगों को, स्टूडेंट को क्या चाहिए एग्जैक्टली वो वहाँ पे देने का प्रयास कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर हमें हटाया जाता है तो जाहिर सी बात है हमारा तो लॉस होगा, वो कम ही होगा, लेकिन वहाँ के लोगों का, बच्चों का जो लॉस होने जा रहा है उसको ना हम मॉनिटरी में इसमें काउंट कर सकते हैं ना किसी इसमें। हम लोग पिछले 20 दिनों से यहाँ पे रोज अपनी प्रार्थना को लेकर यहाँ पे बैठते हैं और सरकार में जितने भी निर्णायक पदों पे लोग हैं सबसे मिलने की कोशिश करते हैं, और कुछ लोगों से मुलाकात हुई भी है ऑनरेबल शिक्षा मंत्री से, लेकिन शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया चूँकि हम लोगों का कार्यकाल ख़त्म होने वाला है और हम लोगों के सेवाओं के बारे में नीति आयोग से लेकर जितने भी EICT के चेयरमैन हैं सबने सराहा है और बोला है कि देयर शुड बी अमिकेबल सोल्यूशन फॉर दीज क्वालिटी टीचर्स एंड द नेम ऑफ क्वालिटी टीचर इटसेल्फ गिवन बाई दीज मंत्रालय। सो क्वालिटी टीचर का हमें नाम तो दिया गया है बट अभी समायोजन के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं हुई, और आप देख सकते हैं कि लगभग
400 IITian एंड NITian यहाँ पे खड़े हैं और टोटल 1554 लोग हैं। तो हम लोगों की माननीय शिक्षा मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री से दरख्वास्त है कि कृपया इस मैटर को संवेदनशीलता के साथ संज्ञान में लें और जल्द से जल्द हम लोगों के समायोजन के लिए एक पॉलिसी बनाकर निर्गत करें।